नमस्कार, मैं हूं शारिक खान। आज देश भर में कई दिग्गजों की रैलियां हैं। जहां एक तरफ प्रियंका रायबरेली में हैं, तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी झांसी में रैली कर रहे हैं। मोदी ने राहुल गांधी के भाषणों को कॉमेडी बताया। उन्होंने कहा कि राहुल के भाषणों पर शर्म भी आती है और हंसी भी। तो उन्होंने सीधे सीधे राहुल गांधी के भाषणों का मजाक उड़ाया है। कहा है कि जिस तरह से भाषण राहुल गांधी देते हैं, उस पर उन्हें हंसी आती है। उन्होंने कल के राहुल के गुजरात में दिए गए भाषणों का जिक्र करते हुए लोगों के बीच उसका मजाक उड़ाया। कल राहुल बाबा ने कहा कि गुजरात में 27,000 करोड़ नौकरियां खाली पड़ी है। आप उसको यूट्यूब पर देख लीजिए। हंसी भी आती है, मुझे शर्मिंदगी भी होती है। ऐसा भी कोई नेता होता है क्या? मोदी ने कहा कि राहुल को जो भाषण लिखकर दे रहे हैं, वो आपको बर्बाद करना चाहते हैं। कल राहुल बाबा ने कहा कि गुजरात में 27,000 करोड़ नौकरियां खाली पड़ी है। आप उसको यूट्यूब पर देख लीजिए। मुझे हंसी भी आती है, मुझे शर्मिंदगी भी होती है। ऐसा भी कोई नेता होता है? आप प्रधानमंत्री जो होती है, आप तो बड़े गजब के होते हैं। तो पूछा जब मोदी की लहर है, प्रधानमंत्री जी ने कहा मुझे मोदी की लहर नहीं। प्रधानमंत्री जी ने आपसे पूछा, आप 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, आपको कभी महंगाई भी दिखाई नहीं दी? आपको भी दिखाई दिया है, सारे देश को मालूम है। आपको कुछ नहीं दिखता, मां बेटे के सिवाय आपको कुछ नहीं दिखता।